तो आज की वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं काफी कमाल के नेक बैंड के बारे में, जो कि गाइस आपको काफी प्रीमियम क्वालिटी दे रहा है, वो भी सिर्फ 800 रुपए में। जी हाँ, इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 800 रुपए में, बट इसकी जो स्पेसिफिकेशन है गाइस वो काफी तक टक्कर दे रही है 2000 तक के नेक बैंड्स को। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हो तो गाइस ये काफी अच्छा रहेगा। और इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये रहा गाइस बॉक्स, जहां पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा नेक बैंड। उसी के साथ गाइस इसकी बैक में कुछ डिटेल्स दे रखी है, जहां पे आपको नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है। उसी के साथ गाइस यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते तो देखने को मिल जाता है हमारा नेक बैंड। उसी के साथ वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, स्नैप अप का स्टिकर देखने को मिल जाता है, एयर पीसेस देखने को मिल जाते हैं, चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, और ये गाइस देखने को मिलता है हमारा नेक बैंड। तो इसकी जो क्वालिटी है काफी अच्छी है, फील तो काफी अच्छी आ रही है। उसी के साथ यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, साइड में कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप के, पावर ऑन के, उसी के साथ वॉइस असिस्टेंट के। इसको ऑन करते हैं तो गाइस यहाँ पे हल्की सी लाइट ब्लिंक करती है गाइस, जो कि ब्लूटूथ को इंटीग्रेट करती है, तो आप अपने फोन से इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ गाइस जो टेक्सचर क्वालिटी है उसकी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसी के साथ आपको मैग्नेटिक एयर पीसेस देखने को मिल जाते हैं, जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, और इनका जो मैग्नेट है गाइस वो भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए गाइस, तो इसमें आपको 17 घंटे के प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है, अडैप्टिव इको के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके जो साउंडिंग एक्सपीरियंस है गाइस उसको काफी तक एनहांस कर देते हैं। वॉइस असिस्टेंट है गाइस, जो कि सीरी और गूगल दोनों को सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी एप्पल डिवाइसेस में भी। IPX5 की रेटिंग है गाइस, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो पानी में हल्के से छींटे तो सही रहेगा, बट पानी में डुबाना मत। और साथ ही आपको देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ 5.1, तो गाइस ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी कनेक्टिविटी में, आपको तो इजीली ये कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मैं आपको यहां पे दिखा भी चुका हूं। बाकी कंपनी क्लेम कर रही है गाइस कि इसमें आपको एक्स्ट्रा बेस देखने को मिल जाता है, तो जिनको बेस पसंद है गाइस उनके लिए भी ये चीज काफी तगड़ी होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है चार्जिंग, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनको चार्ज करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है, बट यहां पे आपको फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो 15 मिनट में गाइस ये एक दिन आराम से निकाल देगी, वैसे ज्यादा ही निकाल देगी, बट अगर आप लोग लगातार म्यूजिक सुनोगे तो एक दिन बहुत आराम से निकलने वाला है। और बाकी इसमें आपको गाइस मैग्नेटिक ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आप लोग गले में चिपका के रखते हो तो भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपको 3 डिफरेंट कलर्स में भी देखने को मिल जाता है, बट मुझे पर्सनली ब्लैक बहुत ज्यादा पसंद है, वो आप लोगों ने मेरी शर्ट से अंदाजा लगा लिया होगा, जल्दी मैं पहनता नहीं हूं। तो ये मेरे कानों में भी गाइस काफी अच्छे से फिट हो गए हैं, कोई ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसके थोड़े साउंड टेस्टिंग भी कर लेते हैं। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, म्यूजिक इसका काफी लाउड है, जहां तक देखने को मिल रहा है म्यूजिक काफी लाउड है, बाकी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। बेस क्वालिटी इसमें आपको अच्छी देखने को मिली रही है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट की थी। तो ओवरऑल गाइस कंफर्टेबल है, कान में काफी अच्छा फिट हो जा रहा है, यहाँ पे आपको काफी अच्छा प्लेबैक टाइम भी देखने को मिल जा रहा है। तो ओवरऑल गाइस जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी, और इसमें मुझे जो टेक्सचर जो है ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इनका, और मैं इसको टोटली रेकमेंड कर रहा हूँ। 800 की प्राइस रेंज में आपको ये बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी कंपनी का नाम गाइस आप लोगों ने देख ही लिया होगा, स्नैपअप G400, तो आप लोग जाके परचेस कर सकते हो, इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी इसकी जो क्वालिटी है गाइस उसके रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल दे रखी है, लगातार एक वीक तक गाइस मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा, अगर मुझे इसमें कोई इश्यूज देखने मिलते हैं तो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो बना के मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट अगर आप लोगों का इसका खरीदने का मन बन रहा है तो इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। तो आपका इसके रिगार्डिंग का क्या ओपिनियन है नीचे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो डेली बेसिस पे, और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए गाइस आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।